हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम पढ़ रहे थे बिजनेस रिसर्च के मेथड को और आज हमारा टॉपिक रहेगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का डिज़ाइन। चलो चलिए शुरू करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होता है ये एम करता है कि हमें डिटेल्ड और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल पाए किसी फिनोमिना की जिसको हम सर्च रिसर्च कर रहे हैं, और ये फोकस करता है पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताने में, पॉपुलेशन की सिचुएशन बताने में, और जो इवेंट होते हैं वो वेरिएबल से किस तरह मैनिपुलेट होते हैं उसको भी ये शो करता है। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन जो होता है ये एक्सप्लोर करता है कैजुअल रिलेशनशिप जो वेरिएबल्स के बीच में होते हैं। तो जो गोल जो होता है, गोल ये होता है कि ये प्रोवाइड कर सके एक क्लियर और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कि कौन सी के जो फिनोमिना है वो क्यों हुआ और कैसे हुआ। नेक्स्ट इसके की फीचर्स पढ़ लेते हैं। तो पहला की फीचर है ऑब्जेक्टिव। ये डिस्क्राइब करता है और डॉक्यूमेंट करता है फीचर्स को, बिहेवियर्स को और फिनोमिना को, और इन फिनोमिना को या फीचर्स को और बिहेवियर्स को हम इन्फ्लुएंस या ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा कलेक्शन। तो ये एम्प्लॉय करता है सिस्टमेटिक मेथड को, जिसकी वजह से हम डेटा कलेक्ट कर पाते हैं एक्यूरेटली, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है एनालिसिस। तो ये इन्वॉल्व करता है कि हम समरी समरी बनाते हैं इसमें, और हम इंटरप्रेट करते हैं डेटा को पैटर्न्स को डिस्क्राइब करने के लिए, ट्रेंड को डिस्क्राइब करने के लिए, और इन रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए। अब इसका पर्पस देख लेते हैं। तो इसका पहला पर्पस है कि हम कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन जो होती है एक फिनोमिना की उसको गैदर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम हमारे को ये एक स्नैपशॉट प्रोवाइड करता है कि करंट कंडीशन और बिहेवियर्स क्या है सैंपल के। नेक्स्ट आता है कि ये ग्राउंड वर्क जो है एक ये हमारे लिए एक बेस का काम करता है आगे फर्दर रिसर्च के लिए, जिससे कि हमें एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाती है वेरिएबल्स और रिलेशनशिप के बारे में। नेक्स्ट है टाइप्स। तो टाइप्स पढ़ते हैं कि क्या कितने टाइप के होते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। तो पहला होता है केस स्टडी एनालाइजिंग, केस स्टडीज एनालाइजिंग कंपनी रेस्पॉन्स टू अ क्राइसिस, कि कंपनी का रेस्पॉन्स क्या होगा किसी क्राइसिस के टाइम, उसकी केस स्टडीज को पढ़ा जाता है। नेक्स्ट इसमें है कि इसमें स्टडी करते हैं नई टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बारे में एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ये हमें प्रोवाइड करती है कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड व्यू केस के बारे में, और ये यूजफुल होती है कॉम्प्लेक्स और यूनिक फिनोमिना को समझने के लिए। अब जो केस स्टडी जो होती है, केस स्टडी जो होती है ये इन डेप्थ एनालिसिस प्रोवाइड करती है हमें एक सिंगल केस के बारे में या फिर स्मॉल नंबर ऑफ केसेस के बारे में जो कि रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं, और ये हमें प्रोवाइड करती है एक डिटेल्ड इनसाइट कॉम्प्लेक्स इश्यूज के बारे में एग्जामिनेशन के थ्रू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगर हम एक कंपनी का रेस्पॉन्स टाइम देखते हैं क्राइसिस के टाइम पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि जब स्टडी करते हैं हम टेक्नोलॉजी की न्यू जब हम स्टडी करते हैं या फिर डेवलप करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी को एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फिर हमारी एडवांटेजेस आ जाती हैं। तो ये हमें प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड व्यू केस के बारे में, और नेक्स्ट है कि ये हमें यूजफुल होता है कि हम अंडरस्टैंड सके समझ सकें कॉम्प्लेक्स और यूनिक फिनोमिना को, और हमारा डिसएडवांटेजेस ये है कि ये हमें लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी मिलती है इसमें अदर कॉन्टेक्स्ट के कंपेयर करने पे, और ये टाइम कंज्यूमिंग होता है और रिसोर्स इंसेंटिव भी होता है। नेक्स्ट है सर्वे। तो फर्स्ट जो था हमारा केस स्टडी था, अब नेक्स्ट आता है सर्वे। तो सर्वे जो होते हैं ये डेटा कलेक्शन के लिए यूज किया जाता है, और इसमें लार्ज नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट्स होते हैं जिसमें कि एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी या फिर इंटरव्यू उनका लिया जाता है, और ये इसमें सर्वे में इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है
पार्टिसिपेंट्स के एटीट्यूड के बारे में, पार्टिसिपेंट के ओपिनियन के बारे में, बिहेवियर्स के बारे में और पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। एग्जाम्पल इसका है कि जब नेशनल सर्वे किया जाता है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर, या फिर कोई क्वेश्चनरीज दी जाती है एम्प्लॉय एंगेजमेंट को समझने के लिए। इसकी एडवांटेज है कि हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं एक लार्ज सैंपल में से, और ये हमें इंसाइट्स भी प्रोवाइड कराता है डेटा कलेक्शन। इसका जो नेक्स्ट एडवांटेज है कि ये एक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, और जिसकी वजह से हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी डिसएडवांटेज ये है कि जो रेस्पॉन्स होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं बायसनेस से, और इनएक्यूरेट रेस्पॉन्सेज भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि इसमें हम इन डेप्थ में रेस्पोंडेंट्स की फीलिंग और एक्सपीरियंस को कैप्चर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टेक्निक है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। तो ऑब्जर्वेशनल स्टडी जो होती है ये सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व करते हैं इसमें, और रिकॉर्ड करते हैं बिहेवियर को, इवेंट को और कंडीशन को जो कि नेचुरली अकर होती है। इसमें जो रिसर्चर होता है ये इंटरवीन नहीं करता है ऑब्जर्वेशन के बीच में। इसका एग्जाम्पल है कि कस्टमर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना रिटेल स्टोर में, या फिर एक क्लासरूम को देखना और क्लासरूम का इंटरेक्शन जो है उसको समझना, और टीचिंग के मेथड के अनुसार। एडवांटेज ये है कि जब हम रियल टाइम डेटा जो प्रोवाइड कर, इसमें रियल टाइम डेटा हमें मिलता है जो कि एक्चुअल बिहेवियर और कंडीशन के बारे में हमें बताता है। ये जो स्टडी होती है ये यूजफुल होती है उन फिनोमिना के लिए जहाँ पे नेचुरल सेटिंग ज़्यादा होती है। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो ऑब्जर्वर की प्रेजेंस होती है उससे इन्फ्लुएंस हो सकता है बिहेवियर पॉपुलेशन का, और ये लिमिटेड होता है कि आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, और इसमें जो इंटरनल थॉट और मोटिवेशन होते हैं वो कैप्चर नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है कंटेंट एनालिसिस। तो कंटेंट एनालिसिस में सिस्टमेटिकली हम एनालाइज करते हैं कंटेंट को, जो कम्युनिकेशन होता है उसके कंटेंट को, जैसे कि टेक्स्ट हो गया या मीडिया हो गया, और इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं पैटर्न्स को, थीम्स को और ट्रेंड्स को। ये जो कंटेंट एनालिसिस है ये बहुत सारी कंटेंट पे भी अप्लाई हो जाता है, जैसे कि रिटन डॉक्यूमेंट हो गए, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गई या विजुअल मटेरियल्स हो गए। अब इसका एग्जाम्पल ये है कि इसमें हम मीडिया कवरेज को एनालाइज करते हैं पॉलिटिकल इवेंट के लिए, और दूसरा एग्जाम्पल है कि जब हम सोशल मीडिया की पोस्ट को एग्जामिन करते हैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब इसकी एडवांटेज आ गई है, तो एडवांटेज ये है कि ये एग्जामिनेशन के लिए अलाउ करता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ कंटेंट हम एग्जामिन कर सकते हैं कंटेंट एनालिसिस के थ्रू, और ये हमें इंसाइट प्रोवाइड करता है कि कम्युनिकेशन के पैटर्न और थीम क्या रहेंगे। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें इंटरप्रिटेशन करते हैं हम, इंटरप्रिटेशन जो होता है वो सब्जेक्टिव हो सकता है, और ये इन्फ्लुएंस भी हो सकता है रिसर्चर की बायसनेस से। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है कि हम कैप्चर नहीं कर पाते हैं फुल कंटेक्स्ट, और इसका और जो मीनिंग होता है कंटेंट के पीछे का वो भी हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आ गया है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज जो हैं, इन हम डेटा कलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन से एक सिंगल पॉइंट इन टाइम के थ्रू। बस हम एक ही बार इसमें एक टाइम पे एक ही डेटा को कलेक्ट करते हैं, जिससे कि हमें एक स्नैपशॉट मिल जाता है वेरिएबल्स का, और उन वेरिएबल्स की रिलेशनशिप क्या है उस स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम पे। इसका एग्जांपल है कि जैसे सर्वे करवाना, जो कि जिससे कि हमें हेल्थ बिहेवियर के बारे में पता चलता है पॉपुलेशन की, या फिर कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को मेजर करना एक पर्टिकुलर टाइम में। इसकी एडवांटेज ये है कि ये स्नैपशॉट हमें प्रोवाइड करता है करंट कंडीशन और करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये यूजफुल होता है कि हम आइडेंटिफाई कर पाएं कोरिलेशन को ट्रेंड को एक स्पेसिफिक टाइम पे। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि हम एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं कैजुअलिटी और चेंज ओवर द टाइम को। नेक्स्ट इसकी डिसएडवांटेज है कि जो रिजल्ट होते हैं वो लिमिटेड होते हैं जो हमें स्नैपशॉट मिला है उससे ही,
और हम इस और इसमें हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड को भी रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजेस। तो यूजेस क्या 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 है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन के? तो सबसे पहला यूज है कि इससे हम करेक्टरिस्टिक्स को समझ सकते हैं। तो इसका यूज है कि हम ये हमें डिस्क्राइब करता है पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स को और फिनोमिना और सिचुएशन के बारे में। इसका एग्जांपल है कि जैसे कि डेमोग्राफिक देखते हैं हम एक कस्टमर के डेमोग्राफिक देख रहे हैं हम और करेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं कस्टमर की एक मार्केट में, एक पर्टिकुलर मार्केट में। सेकंड इसका यूज आ जाता है आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स एंड ट्रेंड। तो इसमें आइडेंटिफाई करते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं पैटर्न और ट्रेंड को जो कि डेटा के अंदर होता है। इसका एग्जांपल है कि हम चेंजेस को ट्रैक करते हैं कंज्यूमर प्रेफरेंस की एक ओवर के एक ईयर के अंदर। नेक्स्ट इसमें आता है प्रोवाइडिंग बेस लाइन डाटा। तो इसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन में हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं एक बेस लाइन डेटा के लिए जो कि फ्यूचर रिसर्च के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। इसका एग्जांपल है कि हम जब मेजर करते हैं बेस लाइन हेल्थ इंडिकेटर्स की बेस लाइन को और वेलनेस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंट करने से पहले। नेक्स्ट इसका यूज आता है इंफॉर्मिंग डिसीजन मेकिंग। तो इसमें एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है हमें जो कि सपोर्ट करती है डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। इसका एग्जांपल है कि सर्वे डेटा जो होता है ये हमें इन्फॉर्म करता है, हमें बताता है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमें कौन कौन सी ऑप्ट करनी चाहिए, चूज करनी चाहिए और क्या क्या ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हमें लाने चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट इसका यूज आता है डेवलपिंग हाइपोथेसिस। तो इसकी वजह से हम हाइपोथेसिस को जनरेट कर सकते हैं, हाइपोथेसिस को हम जनरेट कर सकते हैं और रिसर्च क्वेश्चन को हम फर्दर और ज्यादा डिटेल्ड रिसर्च उसके बारे में कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है कि जो प्रिलिमिनरली केस स्टडी होती हैं इनसे हम हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं, हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं और वो हाइपोथेसिस जो है हो सकती है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इसकी समरी देख लेते हैं। तो जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन है ये फोकस करता है कि कॉम्प्रिहेंसिव एक्यूरेट हो सके हमारी इंफॉर्मेशन एक फिनोमिना के बारे में विदाउट मैनिपुलेटिंग वेरिएबल। तो वेरिएबल को बिना मैनिपुलेट या इन्फ्लुएंस करे हमें कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन मिल जाए। इसके जो की टाइप्स होते हैं वो पहला होता है केस स्टडी, सेकंड सर्वे, फिर ऑब्जर्वेशनल स्टडी, फिर कंटेंट एनालिसिस और क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। ये जो सब डिजाइन होते हैं इनसे हम समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि पैटर्न्स क्या है और ये हमें बेसलाइन देता है डेटा के बारे में, ये हमें इन्फॉर्म करता है डिसीजन मेकिंग के बारे में और हम इसके थ्रू डेवलप कर सकते हैं हाइपोथेसिस को फर्दर रिसर्च के लिए। जो ईच टाइप है इसकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है और अपनी अपनी लिमिटेशन है। तो जो हमारी चॉइस होगी वो ये होगी कि जब हमें कोई स्पेसिफिक रिसर्च ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से हमारा मेथड ऑफ चॉइस रहेगा और ये जो नेचुरल फिनोमिना होते हैं उसके थ्रू हम उसको भी स्टडी कर सकते हैं।